नमस्कार, मैं नाड़ीवेद पुष्पा श्रीवास्तव आज आपको बहुत मोतियों जैसे सुंदर दांत के बारे में बताते हैं कि दांत को कैसा चमकाया जाए। हम तरह तरह के विज्ञापनों में आते हैं, रिजल्ट हमें बहुत ज्यादा नहीं मिलता है। अब हमारे आयुर्वेद के पहलू पर आते हैं कि हमको दांतों को चमकाने के लिए कौन कौन सी चीज लगती है। एक तो ये है संजंग्राहक पत्थर, बहुत आसानी से मिल जाता है जबलपुर, कभी कोई जानता है तो भेड़ा घाट, पूरा ये घाट ही इसी से बना हुआ है, संजंग्राहक से। ये समुद्री फैन में है, कई लोग इसके बारे में बोलते हैं कि ये हड्डी है, लेकिन बिल्कुल नहीं है, ये समुद्री फैन है। ये आपको मिल जाएगा आसानी से। अब दोनों को महीन कर लीजिए, पीस लीजिए। देखिए, ये समुद्री फैन पीसा हुआ है, इसको आप थोड़ा सा ले लीजिए, ये संजंग्राहक पीसा हुआ है ये ले लीजिए, इसको किसी भी समय आप हथेली पर लेके धीरे 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 चारों तरफ से आगे पीछे सब दूर से और इसको उंगली से घिसते रहिए, धीरे धीरे ये पॉलिश होती चली जाएंगी और थूकते जाइए। और कभी लगता है कि आपके दांतों में पान का खूब लाल लाल सा हो गया है, आजकल तो गुटखे तम्बाकू खूब खाते हैं, तो ये उससे ठीक होने लगते हैं। कई बार गलत फहमी है कि दांतों के सेट को लेकर, मैं बताना चाहती हूँ कि दांतों के कुदरती ही कलर अलग अलग होते हैं। आप देखिए, अफ्रीकन लोगों के दांत बहुत सफेद होते हैं, वही अमेरिकन लोगों के दांत पीले ग्रे, ये बीमारी के अंतर्गत नहीं है, ये कुदरती सेट होते हैं दांतों के। कई बार पेशेंट बोल रहे मैडम इसके तो दांत ऐसे पीले पीले रहते हैं, बड़ा इंसल्ट टोनिंग में बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक बात बता दूं कि हमारे यहाँ पहले जमाने में दतौन करी जाती थी, खूब ज्यादा दतौन करते थे, तो आजकल दतौन का तो प्रचलन खत्म ही हो गया है, लेकिन हमें पुनः चालू करना है, पुरानी परंपराओं को पुनः चालू करना है। इतनी ज्यादा उसके फायदे हैं अब हमें समझ में आ रहा है कि नहीं, ये जितने भी आप देखिए, आज ये चमक आप लीजिए, इसको करिए, और एक आप बहुत महंगा आप पेस्ट लाइए दांतों को चमकाने का, दोनों की तुलना स्वयं करें, फिर आप पाएंगे कि नहीं, ये जीता वो हारा। दांतों के बारे में और बता दूं कि भारतीय लोग दांतों के प्रति बहुत लापरवाह है, सच में बहुत लापरवाह है। कारण ये है कि दांत का बस एक सुबह थोड़ा सा आगे आगे ब्रश करे, थू दे, हो गया, मतलब एक ड्यूटी थी वो खत्म कर दी, लेकिन दांतों को पीछे से आगे से काफी शांतिपूर्वक ढंग से ब्रश करना चाहिए। और ब्रश के बारे में भी भ्रांतियां, एक तो ब्रश के बारे में आपको बता दूं कि टूथब्रश का आविष्कार भारत में ही हुआ था, तो ब्रश को आपको सॉफ्ट ब्रश लेना है एक उम्र के बाद में, ज्यादा कड़क हार्ड ब्रश नहीं लेना चाहिए। हमें ये भी नहीं मालूम है कईयों को पायरिया, इतने कभी रोगी आते हैं मेरे पास कोई बीमारी लेके, इतनी सड़न आती है दांतों में से, इतनी बदबू आती है, काई तक जमी होती है, वो इतने लापरवाह होते हैं, वो बैक्टीरिया शरीर में जाते हैं, पूरे शरीर का नाश कर देते हैं, शरीर पूरा खराब कर देते हैं, ये पायरिया जो होता है उसका जहर। तो दांतों के प्रति बिल्कुल लापरवाह ना बने। मैं बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा एक मंजन बताने जाऊंगी अगले वीडियो में, और उसका आप लाभ उठाएं। लेकिन ये दांतों की जो चमक है, ये करीब मैं 40 सालों से बना रही हूँ और उसका प्रयोग कर रही हूँ, और काफी तारीफ सुनती हूँ इसकी चीज की, आप करके देखें। अगले वीडियो का इंतजार करिए। नमस्कार, भगवान धन्वंतरी आपको स्वस्थ रखे, निरोगी रखे, यही मेरी शुभकामना है आपसे।